कम बैक स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। यस्टरडे वी लर्न 11 चैप्टर इन इंग्लिश ग्रामर, वॉज, वेयर। टुडेज चैप्टर इज 12, हैज, हैव और हैड। अब इनका उपयोग पेज नंबर 53, चलिए देखते हैं। हैव, हैज और हैड। तो हैज यानी पास में होना, हैव यानी पास में होना और हैड यानी पास में था। तो ये हमको प्रेजेंट और पास्ट। रीड द गिवन सेंटेंसेस अलाउड। हमको ये अलाउड जोर से पढ़ने हैं। वी स्टडी इन अ क्लास सेकेंड। वी हैव अ टेस्ट टुडे। आज हमारी टेस्ट होने वाली है। फिर पुनीत स्टडीज इन क्लास फर्स्ट। ही आल्सो हैज हिज टेस्ट टुडे। तो ही है, इसीलिए हैज लगा सिंगुलर के साथ। अभी देखिए, रिशिता स्टडीज इन अ थर्ड क्लास। शी हैड हर टेस्ट यस्टरडे। तो उसकी कल टेस्ट हुई थी। कल उसने क्या दी थी, टेस्ट दी थी। तो हैड यस्टरडे, कल उसने टेस्ट दी थी। तो अभी पास्ट और प्रेजेंट। तो अभी पास्ट और प्रेजेंट में इसका उपयोग कैसे होता है, देखिए। प्रेजेंट में आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज और वी के साथ हैव, यू के साथ हैव और दे के साथ हैव लगता है ना। और पास्ट में आई के साथ हैड, यू के साथ हैड, यू के साथ भी हैड, ही शी इट हैड, वी हैड, यू हैड और दे हैड। तो ऑल इन वन के साथ हैड लगता है ना, उनके पास में था। अभी आपको ये चार्ट लर्न करना है, इसमें से आपको समझ में आ जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है। अभी एक्सरसाइज वन में आप देखिए, तो आपको सेंटेंस देख के समझ में आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव। तो आई के साथ क्या लगा, हैव। आई हैव अ ब्लू बाइसिकल। अनु हैज करली हेयर। कैन वी हैज एन एक्स्ट्रा सीट प्लीज। डू यू हैव अ ब्रदर। तुम्हारे पास एक, डू यू हैव अ ब्रदर, तुम्हारे पास एक भाई है। अभी देखिए ई नंबर पे देखिए कि द गार्डन हैज अ ब्यूटीफुल रोज प्लांट। गार्डन के पास एक ब्यूटीफुल रोज प्लांट है। किरण हैज फीवर, उसको बुखार है। शी आल्सो हैज अ स्टोमच एचेस, तो उसको स्टोमच पेट में भी दर्द है। फिर अ रिवर हैज टू बैंक्स। रिवर के दो किनारे हैं, बैंक्स मीन्स किनारे। तो नदी के दो किनारे होते। एलिफेंट हैज़ लॉन्ग नोज। एलिफेंट के पास कैसी नोज होती है, लॉन्ग नोज होती है। फिर चलो जाते हैं, हाँ, एक्सरसाइज टू। अब एक्सरसाइज टू में हम ख्याल करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज़, हैव और हैड। तो हैज़ और हैव आपको प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है और हैड आपका पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। तो अभी दे है यहाँ पर, प्यूरल है। दे हैड अ फाइट एस्टरडे। फिर वी हैव अ स्विमिंग पूल इन आवर न्यू हाउस। तो स्विमिंग पूल, हम, वी हैव अ स्विमिंग पूल इन आवर न्यू हाउस, हमारे नए घर में स्विमिंग पूल है। फिर डू यू हैव अ डॉग एट होम, तुम्हारे पास कुत्ता है। लास्ट ईयर वी हैड अ बिग पार्टी। लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छी, बहुत बड़ी सी पार्टी की थी। आई हैव अ हेडेक। हेडेक, वी हैड लंच आउट एस्टरडे। तो वी हैड लंच आउट एस्टरडे, तो कल हमने जो लंच है वो बाहर किया था, ठीक है। एक्सरसाइज थर्ड में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। लास्ट थर्सडे वी हैड आवर इंग्लिश एग्ज़ाम, हमारी इंग्लिश की एग्ज़ाम है। आई हैड अ डॉग लास्ट ईयर एज माई पेड, तो लास्ट ईयर मेरे पास एक डॉग था एज ए माई पेड। रिया has a hobby of collecting stamps, तो रिया को कौन सी हॉबी है, कलेक्टिंग स्टैम्प्स की। a cow has a long tail, old MC Donald had a farm, तो old MC Donald had a farm, तो उनके पास क्या है, फार्म है, खेती के लिए जो किया जाता है फार्म, खेत बड़ा सा, तो उनके पास एक फार्म है। तो आज इतना ही, इसका आपको प्रैक्टिस करना है नोटबुक में, पहले टेक्स्ट बुक में कर लेना है चैप्टर पूरा सही से, और प्रेजेंट और पास्ट वाला जो चार्ट दिया है वो लर्न करना है। इसके आगे हम 13 लेसन देखेंगे, आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। तो सेम यही दोनों लेसन का पोर्शन मैं वीकली टेस्ट में दूंगी। धन्यवाद।